मसी मसी गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉस्ट स्वॉर्ड्स। एंड यस गाइस, वी आर बैक विद लॉस्ट स्वॉर्ड। एंड मैंने बहुत सारे अपडेट्स किए हैं इस वर्ल्ड के अंदर, लाइक थोड़े बहुत नहीं कहूँगा, मैंने बहुत सारे काम कर दिए हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फेंसिंग वगैरह कर दिया, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे किया, क्योंकि इसके लिए आयरन चाहिए रहता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर रखा था। बट मैं बताता हूँ मैंने सारी चीज़ें कैसे मैनेज की थी, ठीक है। एंड ओके, मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी फैक्ट्री बिल्ड कर दी। एंड ये नाइट बार बार इस प्लेन में आके पता नहीं क्यों बैठ जा रहा है मुझे, ओके पता नहीं है भाई, इस नाइट को बार बार मारना पड़ता है। तो एक बार रुको, इसको नाइट को ना पेल दूँ मैं एक बार, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक अपने लिए फैक्ट्री बिल्ड कर ली है, या ये फैक्ट्री है। यहाँ पे मैंने देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कितने कह सकते हो वॉइड माइनर हो गए। यहाँ पे टोटल 12 वॉइड माइनर का यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे पावर भी अच्छी खासी जनरेट होती है, क्योंकि ये तगड़े वाले जो हैं सोलर पैनल्स टाइप के, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने फेंसिंग वगैरह भी कर दिया। बेसिकली सबसे पहले मैंने अपना ये फार्म फैक्ट्री बिल्ड की थी। अब फैक्ट्री मैंने कैसे बिल्ड की, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा आयरन आ गया था, ठीक है। एंड मैंने एक छोटा सा कंट्रैप्शन सेट किया था डुप्लीकेट करने के लिए आयरन को। एंड आयरन डुप्लीकेट करना बहुत सिंपल है, लिटरली बहुत सिंपल, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंट्रेप्शन सेट किया था आयन को डुप्लीकेट करने के लिए। यहाँ पे मैंने दो वॉइड माइनर लगा दिए हैं, जो दोनों ही आयन प्रोड्यूस करते हैं या बाकी के ओर्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक वो होना चाहिए था पावर सोर्स। आइए देखते, ये हमारा पावर सोर्स है जो पावर जनरेट करता रहता है एंड ये आयन प्रोड्यूस करते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आयन का एक ओर लेता हूँ, एक स्टैक मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे कंप्रेसर के अंदर, एंड कंप्रेसर के अंदर मैं इसकी डर्ट बना लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक पूरे एक स्टैक से जो है दो स्टैक के डर्ट वो बना लिए हैं डस्ट। एंड अभी मैं इन डस्ट को स्मेल्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो, मैंने एक स्टैक से दो आयरन के स्टैक बना लिए हैं। तो ऐसे आप जो है उनको डुप्लीकेट ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आयन को डुप्लीकेट किया, एंड यहाँ पे बहुत सारे आयन और भी पड़े हैं, डायमंड्स, एम्ब्रल्ड, एंड आप किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट कर सकते हो। तो आपको एक ऐसा छोटा सा कंट्रेप्शन सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे गिलास एंड यहाँ पे आप एक स्लैब लगा दोगे तो ये सेट हो जाएगा इजीली, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने फैक्ट्री बिल्ड किया। फैक्ट्री लाइक बहुत सही चल रहा है, मैं अगर आपको दिखाऊँ उसके अंदर आयन एंड कोल वगैरह का जनरेशन कितना हो चुका है, कितना मैंने कलेक्ट कर लिया है अभी तक उसके अंदर। सो अगर मैं कोल दिखाता हूँ, तो कोल का पहला चेस्ट पूरा भर चुका है, देन सेकंड चेस्ट भरने वाला है। एंड आयन में दिखाऊँ तो आयन ऑलमोस्ट भर चुका है। मैं इसे बहुत ज़्यादा कलेक्ट, मतलब निकाला भी था मैंने बहुत सारा फेंसिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आयन थोड़ा सा कम है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट भर ही पड़ी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फेंस वगैरह भी आपको मैंने बता दिया था कैसे बनाना है, एंड यहाँ पे बस इनको सेट कर दिया मैंने इजिली। एंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे जो गोब्लिन थे ये फोड़ दे रहे थे इसको, तो मैंने अभी TNT एक्सप्लोजन को बंद कर रखा है, जिससे ये फूटे ना, बिकॉज यार वो बार बार फोड़ते रह रहे थे एंड लाइक घर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो मैंने इसलिए TNT एक्सप्लोजन को फिलहाल के लिए जो है बंद कर दिया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसुमिट प्रोजेक्ट है, ट्रांसुमिट टेबल है, जिसके लिए हमको ये पहले फिजियोलिक वाला स्टोन बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि इस वाले को भी आज हम थोड़ा सा बना के देख ले, बट उससे पहले यार मुझे अपने फूड सोर्स को मेंटेन करना है, एंड उसके लिए मेरे पास थोड़ी सी चीज़ें हैं इस मोड में जो हम बना सकते हैं एक्चुअली डालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मिनी ग्राइंडर आ चुका है, ठीक है, मिनी मॉब ग्राइंडर, एंड इसके साथ काम करना बहुत इजी है। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी के लिए ये ऑन है, हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं, जो मैं बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है। अभी हमें चेक करना है कि हमें कौन सा फूड सोर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम एग्स वगैरह क्राफ्ट कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। सो काओ भी अगर यहाँ पे होगा, काओ का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काओ है, चिकन है आपके पास, शीप भी है, पिग भी है, ठीक है। सो आप इसमें से कोई भी क्राफ्ट कर सकते हो। एक्चुअल में मैं यहाँ पे काओ का देख रहा हूँ, क्योंकि लेदर एंड डायमंड चाहिए, तो लाइक थोड़ा सा ईजी है, समझ रहे हो, थोड़ा सा ईजी है। तो हम एक बार बना के देख लेते हैं। तो हमारे पास एक डायमंड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको काओ के एग को इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा काओ का एग इसके अंदर चला गया, ठीक है। सो फिलहाल के लिए मैं एक स्टिक बनाता हूँ, जिससे मैं इसे ऑफ कर पाऊँ, ठीक है। तो एक स्टिक, सॉरी स्टिक नहीं, बेसिकली एक लीवर की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हम एक लीवर बना लेते हैं, ठीक है। सो हमें आई गेस 30-15 मिनट वेट करना पड़ेगा किसी भी स्पॉन का। तो यहाँ पे ये हमें डायरेक्ट सामान देता है, कोई मॉब स्पॉन नहीं करके देता है। तो समझ, थोड़ा सा हमें डायरेक्ट मिलता रहेगा, हमारा जो सिस्टम लैग भी नहीं करने वाला है। तो अगर मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, ओके, तो आपके सामने भाई यहाँ पे इसने पोक चॉप एंड यहाँ पे इसने हमें लेदर को स्पॉन करके दिया है। तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जैसे लीवर मारेंगे तो ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। सो मेरे को लगता है कि मैं इसे 5 या 10 बना सकता हूँ, एक लाइक पूरा फार्म वगैरह सेटअप कर सकते हैं हम इसके लिए। तो मैं थोड़े से ना ब्लॉक्स ले लेता हूँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड इसके लिए एक छोटा सा फार्म, लाइक ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा फार्म सेटअप कर लेते हैं 5-6 का। तो यहाँ पे मैं ब्रिक्स बना लेता हूँ अच्छे से, ठीक है।
पे अभी हमने एक्चुअल में फूड सोर्स तो बना लिया है, तो इनको थोड़ा अपग्रेड वगैरह करने की जरूरत है। नीचे दो ब्लॉक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी एंड थोड़ा सा मैं अपग्रेड करता रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो सामान कैसे बाहर निकल रहा है, तो थोड़ा सा अभी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसे करना पड़ेगा अभी अपग्रेड वगैरह। एंड जिस अटैक की मैं बात करता हूँ भाई, ये देख रहे हो यहाँ पे इनकी अटैक वापस से हुआ एंड लिटरली पूरा जगह डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। पता नहीं कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, बट यहाँ पे मैंने फायर स्प्रेड को बंद कर रखा है, तो घर को आग नहीं लगी है फिलहाल के लिए, तो वो तो ठीक है। चलो इनको तोड़ देते हैं एंड अब मैं इस मोड को हटा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस मोड के अंदर स्टाफ वगैरह बहुत सारे हैं एंड इनके पता नहीं मॉब्स को कैसे मैं स्टॉप करूँ स्पॉन होने से, बट भाई ये स्टॉप होते ही नहीं है। लाइक देख रहे पूरी जगह को तोड़ देते हैं भाई, ये जगह पूरी की पूरी इन्होंने ख़राब कर दी है। एंड समझ रहे यार, मेरे को ये तभी पसंद नहीं आते ऐसे मोड जो भी लाइक बेफालतू की चीज़ें होती रहती है ना पूरे पूरे गेम में, ठीक है। सो लाइक ये बार्स वगैरह कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनको थोड़ा सा भी ब्लास्ट करो इमीडिएटली फूट जाते हैं, एंड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमें, क्योंकि पता नहीं क्यों भाई ये फूट जाते हैं, ठीक है। तो पता नहीं कैसे करना है, बट अभी तो इनको ठीक करना पड़ेगा। बट अभी हमें क्या करना है, हमें बाकी की सारी चीज़ें कर लेते हैं, पहले इनको हटा देते हैं, ठीक है। सो हम जो टेबल बनाने वाले थे उसको बनाने के काम पे रुकते हैं, ठीक है। तो अभी यार इनको सभी को छोड़ते हैं, बिकॉज ये बहुत टाइम लेती है एंड ये हमेशा ही ख़राब होती रहती है, ठीक है। तो हमें ये जो है फिलिप्स वाला स्टोन बनाना था, जिसके लिए हमें एक्चुअल का ग्लो स्टोन चाहिए एंड ग्लो स्टोन हमें नेदर से मिलते हैं, तो हमें एक बार नेदर विजिट करना पड़ेगा एंड नेदर विजिट करने के लिए हमारे पास अभी ऑब्सीडियन नहीं है, तो चलो फिर ऑब्सीडियन माइन करके आते हैं थोड़े से, क्योंकि और तो चलो हम नेदर पोर्टल भी बना लेते हैं एक छोटा सा अपने घर के एकदम पास ही में, यहाँ पे बना लेते हैं हम अपने लिए नेदर पोर्टल, ठीक है। तो एक दो हमारा नेदर पोर्टल भी हो चुका है, तो अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है फ्लिंट एंड स्टील की, जो पैक तो है ही हमारे पास, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली भी नहीं है हमको अगर ये पावर हो जाए तो। ओके तो ये भी हो गया एंड चलते हैं नेदर के अंदर। ओके तो यहाँ पे हम नेदर में आ चुके हैं एंड इमीडिएटली नेदर में आते ही मुझे आग लग गई है, पता नहीं कैसे यहाँ पे बहुत सारे फायर पार्टिकल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो हम वैसे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अजीब से जगह पे स्पॉन हुए हैं, लाइक क्रिम्सन फॉरेस्ट एंड नाइलोम फॉरेस्ट के बीचों बीच में हम स्पॉन हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें ग्लो स्टोन देखो आते ही दिख गए हैं, तो हम जल्दी से जितने भी ग्लो स्टोन हो सकते हैं कलेक्ट करके सीधा घर पे चलते हैं भाई। ओके तो यहाँ पे हम अपना ग्लो स्टोन डस्ट भी मैं लेके आ चुका हूँ, तो अभी हम बना लेते हैं अपने लिए वो स्टोन सा जिसका नाम कुछ अजीब सा ही था, मैं बताता हूँ क्या था। तो यहाँ पे हम अपना दो स्टैक से ज़्यादा ग्लो स्टोन डस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम स्टोन को बना लेते हैं, जिसके लिए हमें रेड स्टोन एंड एक डायमंड की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो डायमंड भी है हमारे पास एंड रेड स्टोन भी काफ़ी सारा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये स्टोन को बना लेते हैं, ठीक है। एंड देन इसको बनाने के बाद हमें चाहिए ग्रेवल एंड ग्रेवल से बना लेते हैं हम इस टेबल को एंड इस टेबल के अंदर देखते हैं एक्चुअल में क्या क्या है, क्योंकि इसके अंदर एक आर्मर होता है लाइक सुपर ओपी आर्मर होता है जो मुझे एक्चुअल में चाहिए, क्योंकि वही आर्मर के लिए जो है पूरी सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस टेबल के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे टेबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ये कुछ इमो फर्नेस वगैरह है, इमोसिक फर्नेस एंड यहाँ पे है डार्क मैटर, रेड मैटर एंड यहाँ पे ये डस्ट वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मेन जो मुझे यहाँ पे चाहिए था वो है ये जेम लैगिंग वाला, मतलब ये जेम का पूरा सेट चाहिए था मुझे, जो लाइक काफ़ी पावरफुल है। अगर मैं आपको बताऊँगा एंड में जब हम इसे एक्चुअल में क्राफ्ट करेंगे तब बताऊँगा कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल चीज़ मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। बट अभी के लिए तो जाएगी इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी एक्चुअल में यहाँ पे बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मुझे इमो फर्निस बनाया है, जिसके लिए मुझे ग्लो स्टोन फर्निस डायमंड एंड एक ये ग्लास चाहिए, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल हम बनाने वाले हैं, क्योंकि इसी से हम सारी चीज़ों को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ग्लो स्टोन का वो बना लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया। देन हमें ब्लॉक चाहिए एक, सो यहाँ पे हम अपना डायमंड का ब्लॉक आ गया। देन हमें एक फर्निस चाहिए एंड एक फर्नेस भी हम बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे एक फर्नेस भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फर्नेस भी बना लिया, तो अब क्या चाहिए इसके लिए, ग्लोस्टोन के और चाहिए ब्लॉक, रुको ग्लोस्टोन के ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे थोड़े से और, ठीक है। तो यहाँ पे 32 ब्लॉक्स बना लेते हैं जितने भी बन सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको दो को बनाने वाले हैं, क्योंकि इससे हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं जो फिलहाल हमें ये वाले चाहिए, मतलब तीन चाहिए ये वाले, ठीक है। सो हमें इसके लिए फर्नेस ज़्यादा सही चाहिए रहेंगे, तीन फर्नेस और चाहिए रहेंगे। सो फर्नेस को बना लेते, चलो आ जाओ एक दो एंड ये तीन फर्नेस और आ गए, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं हम एक दो तीन एंड ये आने के बाद हमें चाहिए एक और ग्लो स्टोन। ओके तो हमारे पास ग्लो स्टोन कम पड़ गए हैं भाई।